हेलो स्टूडेंट, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ की इस वीडियो में। तो समांतर श्रेणी का जो श्रृंखला चल रहा था उसका आज पांचवा वीडियो होगा। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर जो आज का पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि किसी एपी के चौथे एवं आठवें पदों का योग जो है 24 दिया गया है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे तथा दसवें पदों का योग कितना है? 44 है, 44 है। तो एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम तीन पद को क्या करना है? ज्ञात कर लेना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है चौथा पद आठवें पद का योग 24 है। यहाँ पर सबसे पहले तो एपी में क्या होता है, कोई पद प्रथम पद होगा, द्वितीय पद होगा, तृतीय पद होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है, जो मालूम रहना चाहिए, हुआ था पहला पद जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर डी। अगर ये दो चीज ज्ञात रहेंगे तो हम लोग कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है मान लेते हैं एक तरह से कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार अंतर बराबर डी। एपी का प्रथम पद बराबर हो गया ए तथा सार अंतर बराबर हो गया डी। अब यहां पर देखते हैं प्रश्न से क्या कहता है। चूंकि कैमा पद है चौथा पद है, मतलब कि ए फोर प्लस योग कर रहा है, इसलिए प्लस का चिन्ह देंगे। आठवां पद ए एट बराबर है 24। ध्यान से समझिएगा, चौथा पद था इसलिए ए फोर और आठवें पद था इसलिए ए एट और योग था इसलिए दोनों को जोड़ दिए, बराबर कितना है 24। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए फोर का मतलब हो गया ए प्लस 3d। ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं कि जितना पद रहेगा उससे एक कम डी लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7d, वही बात हो गया, जितना रहेगा उससे कम डी, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद ये हो जाएगा बराबर 24। तो ये हो जाएगा a और a, 2a हो जाएगा प्लस में 7 और 3 10d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 24। तो a प्लस 5d ये उधर जाकर इसको डिवाइड करेगा तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे दो अज्ञात राशि हो गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। तो a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण एक हो गया। अब तथा एक और चीज दिया गया है, क्या है कि छठे पद है तो a 6, फिर योग कर रहा है तो दसवें पद मतलब ए 10 बराबर कितना दिया गया है 44। ध्यान दीजिएगा, छठे तथा दसवें पदों का योग 44 है तो छठे तथा दसवें पदों का योग 44 हो गया। ए 6 है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d हो जाएगा, ये प्लस में ए 10 है तो ए प्लस 9d हो जाएगा बराबर 44। ये जुट जाएगा ए और ए हो जाएगा 2a और प्लस में 9 और 5 हो जाएगा 14d बराबर हो जाएगा 44। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस में 7d हो जाएगा बराबर 44 और ये 2 उधर जाएगा उसको काट देगा, डिवाइड कर देगा तो a प्लस 7d बराबर 22 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। दो समीकरण हमारे पास आ गए, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और d का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। दोनों समीकरण को हल करते हैं, दोनों में देखते हैं ए की वैल्यू समान है, ए समान है तो क्या होगा, चिन्ह भी समान है तो घटाने पर समीकरण एक माइनस 2 करने पर तो समीकरण एक माइनस 2 करते हैं तो ए है ए प्लस 5d बराबर 12, एक है ए प्लस 7d बराबर 22। इस तरह से घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा माइनस 2d बराबर माइनस 10। यहाँ पर जब ये माइनस 22 में से 12 गया तो माइनस 10 हो जाएगा।
इस तरह से डी बराबर हो जाएगा माइनस दस बटा में माइनस दू, ये दो पच्चे दस कट जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा पांच। अब डी का वैल्यू डाल देंगे समीकरण एक में, डी का मान समीकरण एक में, डी का मान समीकरण एक में, डी का मान समीकरण एक में रखते हैं तो समीकरण एक है ए प्लस फाइव डी और डी की जगह पर है फाइव बराबर हो जाएगा बारह। तो यह हो जाएगा ए प्लस पांच में पांच गुना करेंगे पच्चीस बराबर बारह, ए बराबर हो जाएगा बारह माइनस पच्चीस, तो इस तरह से ए बराबर हो जाएगा माइनस तेरह। तो ए की वैल्यू आ गया, सार्वंतर हमको ज्ञात हो गया, यहाँ पर सार्वंतर ही मालूम हो गया, प्रथम पद ही मालूम हो गया। एपी के प्रथम तीन पद निकालना था अब, तो एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तीन पद। तो अब एपी का, अब एपी का पहला पद मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस तेरह, दूसरा पद मतलब की हो जाएगा ए टू, ए टू में क्या होगा कि ए में डी जुड़ जाएगा तो माइनस तेरह प्लस में कितना हो जाएगा डी की वैल्यू है फाइव, ये घट कर कितना बचेगा माइनस आठ। तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद ए थ्री बराबर, फिर ए टू में भी हम जो क्या कर सकते हैं कि फाइव जोड़ सकते हैं, अगला पद ज्ञात करने के लिए जो सर्वांतर जोड़ते जाते हैं, तो माइनस आठ प्लस पाँच बराबर हो जाएगा माइनस तीन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एपी का चौथा आठवें पदों का योग 24 दिया हुआ था, इसको हल करने पर एक समीकरण आ गया, फिर छठे और दसवें पदों का योग 44 है, उसको भी हल करने पर एक समीकरण आ गया, दोनों समीकरण को हल किए तो ए और डी का वैल्यू आ गया। ए और डी के वैल्यू से हम एपी के प्रथम तीन पद को ज्ञात कर दिए, जबकि यहाँ पूछा जा रहा था एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके और फिर से दोबारा सुनिए, ठीक है, इसमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं ये वीडियो है आप स्वयं पीछे कर करके और फिर से सुन करके समझ सकते हैं एक से दो बार, तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर एक आप समझ गए होंगे, कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः चार और माइनस आठ है, किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः तीसरा और नौवां पद दिया गया है चार और माइनस आठ, इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमको यह ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो एपी का प्रथम पद मान लेते हैं, लिख सकते हैं माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी, सार्व अंतर बराबर डी, ये दो चीज ज्ञात है। अब देखते हैं प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि तीसरे और नौवें पद क्रमशः चार और माइनस आठ है, तो चूंकि ए थ्री तीसरा पद दिया गया है ए थ्री बराबर चार, ए थ्री का मतलब हो गया ए प्लस टू डी बराबर हो गया फोर, तो ए प्लस टू डी बराबर फोर, टू डी क्यों हुआ है, यहाँ तीसरा पद है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ पर ये दो अज्ञात राशि है इसमें, तो ये समीकरण एक हो जाएगा। तथा एक और पद मालूम है, नाइन नौवा पद मालूम है, तो ए नाइन बराबर हो जाएगा माइनस एट है, ए नाइन का मतलब हो गया ए प्लस एट डी बराबर माइनस एट, समीकरण दो हो गया। दोनों ही समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि के माध्यम से, तो ये ए और ये दोनों में मिल रहा है, चिन्ह समान है, तो घटाने पर समीकरण एक माइनस दो करने पर, एक माइनस दो करने पर समीकरण एक है, ए प्लस टू डी बराबर फोर समीकरण एक, और ये ए प्लस एट डी इक्वल माइनस एट समीकरण दो, घटाने पर सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस कट जाएगा, माइनस एट में से टू डी गया तो माइनस सिक्स डी बचेगा बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व बारह हो जाएगा, ये डी बराबर हो जाएगा बारह बटा में माइनस छ और छ दुनी बारह, तो डी बराबर हो जाएगा माइनस दो। डी की वैल्यू ज्ञात हो गया, डी का वैल्यू हम समीकरण एक में डाल लेते हैं, डी का मान समीकरण एक में, समीकरण एक या समीकरण दो दोनों में से कोई में आप डाल सकते हैं।
यहाँ पर सफल किया, डी का मान आ गया, डी का मान समीकरण एक में डालेंगे। समीकरण एक है ए प्लस टू डी, तो टू गुने डी का वैल्यू क्या आया है माइनस दू, बराबर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस, ये गुना करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दो गुने दो चार हो जाएगा बराबर चार, तो ए बराबर हो जाएगा चार और ये प्लस में चला जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा एट। तो इस तरह से हमको प्रथम पद मालूम हो गया और डी मालूम हो गया सार्वंतर। कहता है मुझे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं हम कि एनवा पद शून्य है, मान लेते हैं कि चूंकि एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर जीरो, एनवा पद हम लोग क्या मान लिए जीरो, एनवा पद का क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो, एनवा पद मतलब ए एन, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर एनवा पद का मतलब हो जाता है ए एन बराबर जीरो। तो इस तरह से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर ए क्या ज्ञात आया है, तो ए बराबर हो गया है आठ प्लस एन मालूम नहीं है और डी के वैल्यू है माइनस टू बराबर जीरो। ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस टू बराबर, ये प्लस में आठ है क्या चला जाएगा माइनस में, तो ये एन माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस आठ और ये दुगुना में है तो चल जाएगा बटा में, ये हो जाएगा दो चौक आठ, तो एन बराबर हो जाएगा फोर प्लस वन, तो इस तरह से एन बराबर हो जाएगा फाइव। तो हम कह सकते हैं कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो एपी का पांचवा पद शून्य होगा, हम लिख सकते हैं अतः एपी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कहता है एक एपी का चौथा पद शून्य है, ध्यान दीजिएगा एक एपी का चौथा पद शून्य है, प्रमाणित कीजिए कि इसका पच्चीसवां पद जो है वो ग्यारहवें पद का तीन गुना है। ध्यान देना है यहाँ पर एपी का चौथा पद शून्य है और साथ में हमको यह प्रमाणित कर देना है कि इसका पच्चीसवां पद जो है ग्यारहवें पद से तीन गुना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। अब ध्यान दीजिएगा एपी का चौथा पद शून्य दिया गया है, तो अगर एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद अगर हम लोग ले लेते हैं बराबर ए, सार्वंतर को मान लेते हैं डी। अब चूंकि चौथा पद शून्य है, चौथा पद या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए फोर बराबर जीरो, ए फोर होगा क्या जीरो, ए फोर जीरो है मतलब ए प्लस क्या हो जाएगा थ्री डी बराबर जीरो हो जाएगा। हम बताए थे कि जहां पद रहेगा उससे एक कॉम डी ले लेना है, तो ए फोर है तो ए प्लस थ्री डी बराबर जीरो हो जाएगा। ए प्लस थ्री डी बराबर जीरो या मतलब हम कह सकते हैं कि ए बराबर माइनस थ्री डी समीकरण एक। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ए बराबर माइनस थ्री डी हो गया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि पच्चीसवां पद और ग्यारहवां पद दोनों का वैल्यू या ए और डी के रूप में ला ले आएंगे और उसको देख लेंगे जी क्या गुना है, इससे बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं पच्चीसवां पद, एपी का पच्चीसवां पद बराबर, तो पच्चीसवां पद मतलब ए पच्चीस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस कै डी हो जाएगा चौबीस डी, ए पच्चीस बराबर ए प्लस चौबीस डी। अब हम एक काम कर सकते हैं ए के जगह पर माइनस थ्री डी लिख लेते हैं और प्लस चौबीस डी, ये घटकर कितना बचेगा इक्कीस डी बचेगा। तो इस तरह से ए पच्चीस जो आ गया वह क्या आ गया यहाँ पर हम लोग समीकरण एक से लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया ए पच्चीस बराबर इक्कीस डी समीकरण दो ले लेते हैं। तथा एपी का कौन सा पद निकालना है, ग्यारहवां पद, एपी का ग्यारहवां पद जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए प्लस टेन डी, एक कम कर लेंगे डी, तो ए ग्यारह बराबर हो जाएगा ए प्लस एक जगह पर मान रख लेते हैं समीकरण वन से माइनस थ्री डी प्लस दस डी, यह समीकरण कैसे है एक से है, इसको ऐसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सेवन डी समीकरण तीन। तो आप समझ गए होंगे कि एपी का पच्चीसवां पद क्या आ गया इक्कीस डी, एपी का ग्यारहवां पद क्या आ गया सेवन डी। तो हम यहाँ पर समीकरण एक दो और तीन से
हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट हो जाता है कि एपी का 25वां पद जो है एपी के 11वें पद से 11वें पद का क्या गुना है, 3 गुना है, और यही बात हमको सिद्ध करने के लिए प्रमाण करने के लिए कहा जा रहा था। इस बात को आप लिख लीजिएगा। आज जो है यहाँ पर अब हम लोग जो अगले दिन जो है योग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो है योग से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, 2 या 3 हाईएस्ट वीडियो और आएगा, उस पर एक वीडियो जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव से आएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो लाइक और शेयर करना ना को भी भूलें और सब्सक्राइब करवाएं, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच अपने ये शेयर करें।